जब पता है करण, हम दोनों पिछले जन्म में विमल खाते थे यार। नहीं, मैं विमल नहीं खाता था, मैं मिराज खाता था और आज भी खाता हूँ। अगर ऐसा है तो कल तूने मुझे की पार्टी में विमल खाने के लिए बोला था। अभी सोशल मीडिया पे विमल पाल मसाला और बहुत सारे ऐसे ऐड किए जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन क्यों किया जा रहा है? अभी सलमान खान की एक ऐड आई है विमल पान मसाला की, जिसमें कि वो ऐड देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों उनको ऐड ये करनी पड़ रही है और किस तरह से सोशल मीडिया पे सलमान खान को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अब क्या स्थिति इनकी पूरी तरह से खराब हो गई कि अब पान मसाला बेचने लगे, तो बहुत तरह की बातें उनके खिलाफ कही जा रही है सोशल मीडिया पे। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे इस वीडियो में। ये सारे लोगों को पता है कि सोशल मीडिया एक वेपन्स है, एक औजार है, एक हथियार है, और इसको एक हथियार की तरह यूज़ करनी चाहिए। अगर कोई भी समाज में किसी भी तरह की वायलेंट फैल रही है या फिर कहीं भी किसी तरह की मुसीबत है, प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वेपन्स होती है, यानी एक औजार होती है जिससे कि आप अपने आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं या फिर सोशल में एक अच्छाई फैला सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो विमल पान मसाला, गुटखा पान मसाला, इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े इंटरटेनर लोग जो ऐड करके प्रमोशन करके कुछ पैसों के लिए वो लोग जो ऐड कर रहे हैं, और कभी उन्होंने अपने इस जो ऐड वो करते हैं, क्या कभी वो लोग इसका स्वाद भी चखते हैं? क्या कभी वो अपने बच्चे को ये प्रोडक्ट देना चाहेंगे कि लो विमल पान मसाला खाओ और फ्रेश रहो? खाना खा के ज़रूर एक बार देखना, दिन फ्रेश हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। कभी अक्षय कुमार अपने बच्चे को या फिर शाहरुख खान अपने बच्चे को कभी भी ये विमल पान मसाला, गुटखा पान मसाला कभी ये देंगे? नहीं देंगे। लेकिन ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इंडिया के, भारत के बच्चे ज़रूर इसका सेवन करें, क्योंकि ये सेवन करेंगे तो हमारा अकाउंट बैलेंस गर्म होगा। तो इस तरह से इसके पहले जो है, आपको बता दें कि सलमान खान ने अभी तो ऐड करी है, लेकिन जिस तरह से उन पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ट्रॉलर ने कितनी सारी बातें कही हैं, आज सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले जो हमारे अजय देवगन, जो कि पूरी तरह से विमल पान मसाला ऐड का जो ऐड करते हैं और पूरी तरह से ये दिखाते हैं कि केसरी में दम है, जुबान केसरी खाओ और स्वर्ग का आनंद लो, पूरी माहौल फ्रेश हो जाएगी इसको खाने के बाद। मतलब ये एक ऐड आया है इसके पहले जिसमें कि शाहरुख खान और अजय देवगन उस ऐड में वो एक सुगंध के पीछे भाग रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि कौन सी चीज़ के पीछे वो भाग रहे हैं, एक ऐसा चीज़ जिसकी तलाश में वो पूरी ज़िंदगी उसके पीछे हैं। जब वो ढूंढते ढूंढते उसके करीब जाते हैं तो शाहरुख खान उसको फार करके उसको खाता है और उसकी जो सुगंध है पूरे हवाओं में, वादियों में फैल जाती है, जिसको अजय देवगन ढूंढते हुए उसके करीब जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि आप अगर जुमा केसरी विमल पान मसाला अगर खाएंगे तो आपका पूरे माहौल में खुशबू ही खुशबू, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, लाइफ में पूरी तरह से कोई भी मुसीबत नहीं होगी, ये पूरी तरह से शाहरुख खान और अजय देवगन इस एड में दिखा रहे हैं। लेकिन भैया सलमान खान ने कहा कि इस लॉकडाउन में हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, फिल्म राधे रिलीज करने वाले थे, कमिटमेंट कर दी थी, लेकिन अभी ऐसी आ रही है खबरें कि इस फिल्म को भी पोस्टपोन कर दिया गया। तब इन्होंने क्या कहा कि भैया अब हमें लगता है कि कुछ तो खर्च चलानी पड़ेगी। अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे लोग जब विमल पान मसाला की ऐड करने से पीछे नहीं हट रहे तो हम क्यों हटे? अब आ गए ये भी मैदान में और पूरी तरह से अपने हुर दबंग और गाने के साथ पूरी तरह से विमल पान मसाला का ऐड करते हुए उन्होंने भी दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या सिर्फ ऐड दिखाने से आप क्या देश में मैसेज दे रहे हैं, समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप किसी भी, कोई भी स्मोकिंग जगह पे आप जाएंगे जहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं, तो आप अगर उनसे पूछोगे कि भैया सलमान खान जो ऐड करता था वो वाली हमें दीजिएगा, तो उसका नाम नहीं बताइएगा, आप सिर्फ ये कहिएगा कि सलमान खान जो ऐड करता है, शाहरुख खान, अजय देवगन जो ऐड करता है, वो वाली दीजिएगा हमें, तो हो सकता है कि वो ना दे। वहाँ पे आपको पान मसाला, विमल पान मसाला या फिर केसरी आपको कहना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लोग सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन के नाम से नहीं जानते इस प्रोडक्ट को, इन्होंने बस प्रमोट कर दिया, समाज में ये फैल गया कि ये चीज़ अच्छा होता है, एक इमेज बन गया, लोगों ने इमेज बना लिया, एक इमेजुअल फैक्ट, एक स्पिरिचुअलिटी होती है कि आपको जैसा दिखाया जाएगा, आप जैसा सोचेंगे वो चीज़ आपको वैसा ही दिखेगा, भले ही उस चीज़ में आपको लाखों बुराइयाँ हो, लाखों खमियाँ हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस चीज़ को खाएंगे
और जब खाने के बाद थोड़ी सी आपको जब उसकी आदत लग जाएगी तो फिर आप उसके आदी बन जाएंगे। आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे आपका शरीर, चाहे आपकी आत्मा, चाहे आपका लाखों परेशानी डिजीज हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आपको पता है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारी फिल्में हैं जो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, शूटिंग रोक दी गई है, तो बहुत सारे ऐसे इंटरटेनर है जिनके खर्च अभी रुक गए हैं, पैसे की नौबत आ सकती है। तो इस सिचुएशन में कुछ लोगों ने कमेंट करा, सलमान खान ने जो ऐड करी विमन पाल मसाला का, तो कुछ लोगों ने कमेंट करा कि लगता है भाईजान इतने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ये इलायची गुटका कब से खाने लगे। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि क्या भाईजान इस लॉकडाउन में इनकी स्थिति खराब हो गई, खर्च नहीं निकल रहा है जिस कारण से ये गुटका पान मसाला बेच रहे हैं। तो बहुत तरह की बातें सलमान खान को लेकर के बहुत सारे उनके फैटर्स फैंस ने कही, लेकिन सलमान खान पे सवाल यहां पे ये उठता है कि जो फिटनेस आइकन है, जो कि फिटनेस की आइकन बना करके पूरे देश को ये दिखाते हैं कि फिट रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए उन्होंने फिटनेस क्लब भी खोला है, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट उनके नाम पे चल रहे हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि आप गुटका पान मसाला बेच करके जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज को आप स्प्रेड कर रहे हैं कि इस चीज को खाना सही होता है। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि आप अगर किसी चीज का ऐड कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप उस चीज का सेवन कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप अपने फैमिली मेंबर को वो चीज खिलाना चाहेंगे, देना चाहेंगे। बात 5 रुपए 10 रुपए की नहीं है, बात है उस आदत की, लत की, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, जिसकी MRP होगी, ज्यादा नहीं होगी, 5 से 10 रुपए 25 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहां पे पैसे की नहीं है, बात यहां पे है लत की। जब उस इंसान को उस चीज की लत लग जाती है तो उसके सामने वो सारे बुराई के रास्ते खुल जाते हैं। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि ये जो बड़े बड़े इंटरटेनर जिसको समाज ने बनाया है, ये क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं इस समाज में, इस दुनिया में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इस चीज को सोचने की बहुत जरूरत है और इस चीज को सोचना भी चाहिए। ये हमारी मेंटेलिटी है, ये सोच है, लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा इंटरटेनर जिसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी है दुनिया में, अगर वो कुछ भी ऐड करता है तो वो सही होगा, उसे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और खा सकते हैं। ये एक सोच है जिसपे बदलना बहुत जरूरी है और इस सोच को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा पब्लिसिटी वाला एक्टर अगर उस चीज का प्रमोशन करता है तो वो पूरी तरह से 110% सही होगा। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां भी हो सकती है। क्या बॉलीवुड की स्थिति सच में खराब हो चुकी है जो कि इतने छोटे छोटे ऐड करने पड़ रहे हैं, जैसे कि शाहरुख खान और अजय देवगन, पहले तो अजय देवगन करते थे विमल पान मसाला का, अब शाहरुख खान को भी करनी पड़ी, अब उसके बाद सलमान खान को भी पान मसाला का ऐड करना पड़ा, अब अक्षय कुमार तार के ऐड कर रहे हैं, सैफ अली खान करीना कपूर टंकी बेच रहे हैं, और उसके बाद अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है लॉकडाउन में, क्या लोगों ने एक्सपेक्ट जो करा था कि वो पूरी तरह से उस पर पूरी तरह से सही साबित नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क देती है कि सच में ये लॉकडाउन में, ये कोरोना में, ये पूरी तरह से स्थिति जो है सबकी डवाडोल हो चुकी है, और ख़ास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए तो एक बहुत बड़ा ये चुनौती है, एक सामनापूर्ण है, शायद इससे निकल पाना अभी बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह के इतने सारे ऐड, जितने सारे ऐड आते हैं, जिससे कि कुछ लोग जो जानते हैं कि ये चीज़ सच में गलत है, और सिर्फ बड़ा नाम हो जाने से, क्या कोई भी प्रोडक्ट को बेच देने से क्या वो चीज़ें सही हो जाती है, एक बहुत बड़ी पॉइंट है, अहम पॉइंट है, जिस पे आप लोगों को अपनी विचार देनी है। और इतने सारे मैंने ऐड बताए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ऐड, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल अमानवीय होते हैं, जिसको खाने के बाद शरीर में सबसे बड़ी चीज़ है हानि होती है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों के लिए, थोड़े से शौक के लिए इंसान अपने मनी, टाइम, शरीर, सब चीज़ को इन्वेस्ट कर देता है उस चीज़ों में। क्या आप, एक बहुत बड़ा सवाल है, जो लोग ये ऐड कर रहे हैं, क्या वो अपने फैमिली के किसी सदस्य को उस प्रोडक्ट को देना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, जो कि पूरे देश के तरफ से। हालांकि इन सारों बातों पे, इन सारे मुद्दों पे आप लोगों का क्या सोच है, आप लोगों का क्या विचार है, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।